हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का न्यू चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, फ्लूइड एंड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड का क्या होता है, फंडामेंटल डेफिनेशन होता है, उसको लिख लेते हैं। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। तो फ्लूइड का डेफिनेशन है The substance which can flow is known as fluid। ठीक है, ऐसा substance जो क्या करेगा, flow करेगा, उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे फ्लूड। एक डिफिनेशन हो गया, और एग्जांपल में है। ठीक है, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ठीक है, ये सब फ्लूड के एग्जांपल्स हैं, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये समझेंगे सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस एंड इसे हम मैटर भी कह सकते हैं। क्या मैटर, ये कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के। ठीक है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। जनरली थ्री टाइप्स के बारे में ही हम पढ़ते हैं, दो और होता है, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर और एक होता है प्लाज्मा। ठीक है, फोर्थ स्टेट प्लाज्मा होता है, फिफ्थ स्टेट बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड मैटर। लेकिन ये जो है जनरली थ्री टाइप्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनमें एक फोर्स होता है, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के लिए मैक्सिमम होता है और उससे कम होता है लिक्विड का, और उससे कम होता है गैस का। यानी सॉलिड में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, और गैस में सबसे ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा भी अगर डिफॉर्मेशन, इसके पहले हमने लास्ट ईयर के पढ़े थे, तो डिफॉर्मेशन फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा तेजी से मूव जो इसके पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, मान लीजिए ये सब्सटेंस है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो सॉलिड में होंगे, लिक्विड में होंगे, गैस में होंगे, तीनों में होंगे। ठीक है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे अगर फोर्स लगाएंगे तो कम डिस्प्लेस होंगे एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो यानी जो अगर हम फोर्स लगाएंगे तो लिक्विड और गैस के ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे। ठीक है, अब फ्लो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये सब्सटेंस क्या हो गया, जिसका कोई डिफिनिट मास हो, डिफिनिट मास और एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। ठीक है, जो मैटर होगा वो का उसका डिफिनिट मास होगा और वो क्या स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, हम उसे मैटर कहेंगे। मैटर थ्री टाइप्स के होते हैं। अब फ्लो क्या होता है, ठीक है, फ्लो तभी हमको समझ आए अच्छे से कि फ्लूड क्या होता है। फ्लूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूड कहते हैं। ठीक है, जैसे लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ठीक है, तो फ्लो क्या होता है, द रिलेटिव पोजीशन चेंज, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए कोई एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसमें किसी भी मैटर के, ठीक है, मैटर है, कई सारे मैटर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, इसका जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इसके जो चेंज हो जाएंगे मैटर, उससे हम क्या करेंगे, वो फ्लो हो रहा है, यानी वो पार्टिकल्स क्या हो रहा है, फ्लो होगा अगर मैटर चेंज हो जाएंगे तब।
अब देखते हैं कि सॉलिड को यहाँ पे एग्जांपल में क्यों नहीं रखा कि ये फ्लूड है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठीक है, यही सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर इसको हम रखेंगे, ठीक है, या कोई भी फोर्स लगाएंगे तो जो रिलेटिव पोजिशन है चेंज तो होगा नहीं, होगा बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो जनरली इसके वेट के से नहीं होगा, ठीक है। तो सॉलिड की जो पोजीशन है, जो रिलेटिव पोजीशन है पार्टिकल्स की, वो चेंज नहीं होती है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में मैक्सिमम होता है, लिक्विड में कम होता है, इसलिए ज्यादा तेजी से फ्लो कर जाते हैं। मान लो कोई ग्लास वाटर ले लेंगे, इसको टिल्ट करेंगे, यानी इस तरह से तो पानी लिक्विड जो है अपने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आने लगेंगे अपने यहाँ, ठीक है। और जो लिक्विड गैस है, ठीक है, गैस क्या है, अगर हम लोग ब्रीडिंग करते हैं तो लेते हैं आप फिर हवा है मान लीजिए, ठीक है, और स्प्रेड आउट करते हैं तो उसमें जो उसके पार्टिकल्स हैं चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, ठीक है, थीके? तो वो क्या होते हैं, उसके चेंज हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। फिर से एक बार, जो सब्सटेंस होगा यानी कैसे लिक्विड एंड गैस, वो क्या करेंगे, अगर फ्लो करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लूइड। फ्लूइड में लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा, सभी क्या होते हैं, फ्लूइड है, फ्लो करते हैं, ठीक है, उसका मास भी होता है, स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स ये क्या करता है, डील करता है, हाँ, अगर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई मान लो ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाते हैं और उसका इफेक्ट स्टडी करते हैं, उससे हम किसके कैटेगरी में करते हैं, मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स इट डील विद, इट डील्स विद फोर्स एंड देयर इफेक्ट, यानी ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये डील करता है, अब फोर्स लगाते हैं और उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, किसके अंतर्गत आता है, मैकेनिक्स। जो भी है, मान लो यही बॉडी है, ठीक है, इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, मान लो यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो ये मूव करता है, इसकी वेलोसिटी भी होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर रेस्ट में है तब, अगर मूव कर रहा है, पहले से वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी और चेंज हो जाएगी, तो वो क्या करने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा। तो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं मैकेनिक्स। अगर हम दोनों का एक में कंबाइन करते हैं, यानी अगर डील्स भी, देखिए मैकेनिक्स, अब देखो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, ये दोनों अगर हम मैकेनिक्स जो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फोर्स और उसका इफेक्ट हम लोग मेजर करेंगे ऑन फ्लूइड, तो क्या कहलाएंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट स्टडी द फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगा, अगर कोई फोर्स लगाएंगे, कोई फ्लूइड है, जैसे लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, उस पर फोर्स लगाएंगे और उसका इफेक्ट मेजर करेंगे फ्लूइड पे, तो किसके अंतर्गत आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स दो टाइप। अगर फ्लूइड एट रेस्ट तो हम उसे फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड मैकेनिक्स टू टाइप, फर्स्ट फ्लूइड स्टैटिक, इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड स्टैटिक के स्टैटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जो कोई फ्लूइड है अगर रुका हुआ है तो उसके हम बिहेवियर को मेजर करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड स्टैटिक। सेकेंड क्या होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जब फ्लूइड क्या होता है,
मूव करता है। मान लो कोई कंटेनर है ठीक है या बीजल है, विसल है ठीक है, इसमें अगर कोई फ्लूइड है इस तरह से ठीक है, इस टाइम क्या है स्टैटिक है। तो अगर हम जब मीजर करेंगे कुछ भी फ्लूइड्स के बिहेवियर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका डेंसिटी, मास, तो हम क्या फ्लूइड स्टैटिक के इसमें पढ़ेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स में ठीक है। अगर कोई ये मान लीजिए फ्लूइड है, अगर ये कोई पाइप है इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है ठीक है, फ्लो कर रहा है पाइप है, घर में जो होता है उसमें अगर मान लीजिए फ्लो कर रहा है, तो उसमें जब हम मीजर करेंगे इसके अंतर्गत फ्लूइड डायनेमिक्स। तो क्लियर हो गया, एक फ्लूइड स्टैटिक एक फ्लूइड डायनेमिक्स, ये दोनों कैटेगरी होता है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा और फोर्स ऑन लिक्विड, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, आप लोग इसको यहां से लिख लीजिएगा ठीक है। फोर्स ऑन फ्लूइड कर देते हैं ठीक है, फोर्स ऑन फ्लूइड वो दो टाइप के होते हैं ठीक है, लिख लेना। ये फर्स्ट होता है सरफेस फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए सरफेस फोर्स, और दूसरा क्या होता है बॉडी फोर्स ठीक है। सरफेस फोर्स क्या होता है, मान लो एक कोई कंटेनर है इसमें लिक्विड है, या मान लीजिए कि हम नहीं है ठीक ठीक है, ठीक है, तो सरफेस फोर्स ठीक विजल है इसमें कोई फ्लूड है ठीक है, यानी हम ही है इसका मतलब ये ठीक है। तो हमारे ऊपर जो एक एटमॉस्फेरिक फोर्स लगता है, एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम सरवाइव कर पाते हैं, अगर वो नहीं रहता, अगर हम ऊपर जाएंगे मान लीजिए हाइट पे, तो हमको सांस लेने में क्या प्रॉब्लम होने लगती है, यानी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करता है। अभी हमने एक उसके पहले भी दिया था, जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है इंक्रीज होता है, तो ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा डिक्रीज, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, इसलिए हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो हम लोग बॉडी पे लगता है ठीक है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या जो भी कोई एक्सटर्नल फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं सरफेस फोर्स ठीक है। ये सरफेस फोर्स क्या होता है एक्सटर्नल फोर्स। यहां पे जब लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे तो बार बार आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर कोई वैक्यूम रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा ठीक है, अगर वैक्यूम नहीं रहेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ऐड कर लेते हैं, और वन एटमॉस्फेरिक जितना भी दिया रहेगा वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.3 ठीक है 1.0103 कर दे ठीक है इंटू 10^5 पास्कल होता है ठीक है, ये इतना होता है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 10^5 पास्कल ठीक है। तो अब बॉडी फोर्स क्या होता है, जो उसके वेट उसके मास के कारण लगता है ठीक है, यानी जो बॉडी फोर्स होता है मान लीजिए हम ठीक है कई सारे मालिक्यूल्स से बनकर बना होता है कोई बॉडी ठीक है, और इसमें क्या है बहुत सारे मालिक्यूल्स छोटे छोटे इससे मिलकर बना होता है, तो जो फोर्स होगा ठीक है वो इस पे वो क्या करेगा उसके मास के कारण लगेगा ठीक है, मास के कारण फोर्स। अब देखिए कैसे मास के कारण फोर्स लगता है, जो वेट होता है ये एमजी होता है ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या होता है क्वांटिटी होता है ठीक है, क्वांटिटी यानी जितने नंबर ये चेंज नहीं होता है, मास इज कंजर्वेशन होता है, वो इसको बना नहीं सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग जगह अलग अलग होता है ठीक है, तो अगर ये मून पे ले जाएंगे तो अगर सेम क्वांटिटी तो जो फोर्स होगा अलग हो जाएगा, अगर हम लोग अर्थ पे रखेंगे तो ये इसी सेम क्वांटिटी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अधिक होता है ग्रेविटेशन, इसलिए यहाँ पे फोर्स अलग हो जाएगा ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे जो बॉडी फोर्स होता है वो किसके कारण होता है मास एंड ग्रेविटी, तो यानी ये जो बॉडी फोर्स है मास और ग्रेविटी के कारण लगेगा ठीक है, ये फोर्स होता है क्योंकि मास इनके एक्सेलरेशन है बराबर है न्यूटन सर ला, ये ही फोर्स एक्सर्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है। दोनों क्लियर हो गया, बॉडी फोर्स उसके मास के कारण लगता है और सरफेस फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स होगा एक्सटर्नल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ठीक है। और अब अगला है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ठीक है, इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे डेंसिटी,
डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इसको हम और कहते हैं मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इज नोन एज मास डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय रो, आर एच ओ, इसका सिंबल है रो, ठीक है, ये देख लो आर एच ओ रो, रो पढ़ते हैं और सिंबल रो है, ठीक है, ग्रीक लेटर है डेंसिटी। अब मास पर यूनिट एरिया, यानी अगर लिमिट ले लेंगे, कोई कंटेनर है, इसमें किसी भी पॉइंट का अगर हम डेंसिटी मेजर करेंगे, मान लेंगे छोटा सा ये डी मास है और छोटा सा वैल्यूम, ठीक है, इसलिए डी रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे लिमिट करें डी टेंस टू जीरो, यानी जो वैल्यूम है इसका एकदम जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी बहुत ही कम, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं डी एन बाई डी बी, ठीक है, इसको हम अगर लिमिट बहुत कम अप्रोच करेगा तो इसको डी एम बाई डी बी रख सकते हैं, फिर मास पर यूनिट एरिया या किस तरह से निकल मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हम लोग लेकिन जानते हैं कि जो, अब इसको समझ ले थोड़ा सा, क्या होता है डेंसिटी, एक गिवेन मास, ठीक है, जो मास दिया है ये मान लो गिवेन वैल्यूम में कितना मैटर है, मैटर यानी मास, जितने मैटर उतने मास, ठीक है, ये कितना क्वांटिटी है, तो जो डेंसिटी है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, तो अगर मैटर हम लोग बढ़ाएंगे, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए, ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इन गिवन मास, जो दिया हुआ मान लो इतना ही दिया है, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, इसमें हम लोग क्या मैटर इंक्रीज करते जाते, तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा उसी गिवन मास के लिए, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यानी डेंसिटी क्या होता है, मास कितना इस गिवन वैल्यू में कितना मैटर है, कितना मास, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूम अगर इंक्रीज कर देंगे सेम मास रहेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मान लो इसको बढ़ा दिए और उतना ही मैटर है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मान लो कोई गैस है इसको कंप्रेस किया हुआ है, मान लो इसी में ये पिस्टन लगा दिया गया पिस्टन, तो अगर कोई गैस है तो इसको कंप्रेस करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा, वैल्यूम कम यानी डेंसिटी इंक्रीज, मास भी इंक्रीज यानी डेंसिटी और डेंस होता जा रहा है, यानी डेंस कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, यानी गैस मॉलिक्यूल्स और कम पास पास आते जा रहे हैं और डेंस हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये अगर हम लोग मास इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, अगर वैल्यूम इंक्रीज करेंगे अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अब हम लोग जो डेंसिटी होता है वाटर का डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, पहले ये छोड़ो, पहले हम यूनिट पढ़े थे, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, अब यूनिट क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम बाई डी, ये है, अब इसे निकाल सकते हैं एसआई यूनिट, पहले निकालिए एसआई यूनिट, तो मास को अब एसआई यूनिट में किस में मेजर करते हैं, केजी में, और वैल्यूम को मीटर क्यूब में, तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको इस तरह से लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर पावर माइनस थ्री, ठीक है, ये इतना हो गया। इन सीजीएस सिस्टम में सीजीएस समझ में आ रहा, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, सेंटीमीटर किसको लेंथ और ग्राम, ग्राम किसको वेट को, ठीक है, मास को, ठीक है, और ये सेंटीमीटर और सॉरी सेकेंड टाइम को, ठीक है, तो रो इज इक्वल टू एम बाई डी, इसमें किसमें मेजर करेंगे, ग्राम में, और इसको किसमें वैल्यू को किसमें मेजर करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये भी क्लियर हो गया। अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन कितना होता है डेंसिटी का, इसका एम हो जाएगा किलोग्राम का एम, और मीटर है इसको एल से करते हैं, ठीक है, एल के पावर माइनस थ्री, ठीक है, एम एल के पावर माइनस थ्री, ये क्या हो गया डायमेंशन, ठीक है, क्लियर हो गया, ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा और जान जाते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, वो स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो जानना जरूरी होता है,
अगर हम लोग लेते हैं एक एक मीटर का कंटेनर, ठीक है, क्यूब लेते हैं, क्यूब एक मीटर, ये एक मीटर, ये ऐसा अगर क्यूब लेते हैं एक मीटर का, तो कितना हो जाएगा उसमें 1000 लीटर यानी 1000 किलोग्राम हो जाएंगे वाटर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग सब एक एक लेते हैं तो जो डेंसिटी हो जाएगा एक एक मीटर करके, एक मीटर ये है और यहाँ पे एक एक करके, तो ये 1000 हो जाएगा। डेंसिटी क्या होता है वाटर का, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी डेंसिटी होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है क्योंकि उसका एनोमलस बिहेवियर होता है वाटर का, 9th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है यहाँ पे और आगे चैप्टर में अच्छे से तो उसको और भी पढ़ेंगे, बस एनोमलस बिहेवियर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, अगर हम इसको उसमें लेंगे सेल्सियस सिस्टम में, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा और यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसी तरह से मरकरी का क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये नहीं कहीं फॉर्मूले में दिया रहेगा, ये हमेशा याद है, न्यूमेरिकल्स दिया रहेगा कि इसको हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये याद करना है डेंसिटी ऑफ मरकरी। अब आप लोग मरकरी के बारे में जानते हो कि जो पीरियडिक टेबल है उसमें सिर्फ मरकरी ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है यानी मेटल। ठीक है, तो मरकरी इसका होता है 13.6 टाइम्स ऑफ वाटर। ठीक है, यानी 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कितना बहुत ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये दोनों यूज होगा। अब उसके बाद अगला टॉपिक है मास डेंसिटी हो गया, अब पढ़ेंगे वेट डेंसिटी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी क्या होता है, वेट पर यूनिट वैल्यू, वेट पर यूनिट वैल्यू। ठीक है, यानी इसको डिनोट करते हैं गामा से। ठीक है, गामा, ठीक है, वेट और वॉल्यूम, वेट को W से, वॉल्यूम को V से। अभी वेट को हम जानते हैं mg लिखते हैं, mg मास और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और वैल्यू अभी हम लोग डेंसिटी इसके पहले लिखे थे, डेंसिटी रो इक्वल टू m / g लिखे थे, तो यानी ये गामा इक्वल टू रिलेशन हो जाएगा रो g। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, कन्वर्ट करना है वेट डेंसिटी मास डेंसिटी में, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग क्वेश्चन आपको सेंड करेंगे, आप लोग खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस टू द स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, रेशियो होता है एक गिवन सब्सटेंस का, यानी गिवन डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस फ्लूड भी कह सकते हैं, लिक्विड है तो लिक्विड। ठीक है, और ये डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, हम किसी को भी मतलब स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसा लेंगे जिसको हमें पता हो और यूजफुल हो। ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, वाटर। रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग क्या और नाम से जानते हैं, स्पेस ग्रेविटी। अगर ये कह दे क्वेश्चन में कि आप स्पेस ग्रेविटी फाइंड करिए, ठीक है, तो वो क्या फाइंड करना है आपको, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इसको और भी चेंज कर सकते करके लिख सकते हैं, यानी ये वाला सेम रहेगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना था,
1000 यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। इतना था, ये आ गया, इसे स्पेस ग्रेविटी भी कहेंगे, ठीक है। अब आता है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी यूनिट केस होता है, ठीक है, बस आप जान जाएंगे। तो डेंसिटी है वो किलो, अगर सेम लेंगे किलोग्राम पर मीटर की, उसका भी किलोग्राम पर मीटर भी पड़ जाएगा, तो यूनिट लेस होता है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेस डेंसिटी यूनिट लेस होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। मान लो कोई सब्सटेंस है, दो अलग अलग सब्सटेंस या तीन यानी कई सारे, मान लो यहाँ पे करेंगे कोई कंटेनर है किसी का लिक्विड आया, तो सब करेंगे तीसरा से फॉर्मेट मिल जाएगा, सबकी डेंसिटी अलग अलग। मान लो वाटर है लिक्विड ऊपर तैरने लगेगा और कुछ दूसरा डालेंगे उससे कम डेंसिटी वाला तो और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मिक्सचर है सबका डेंसिटी अलग अलग होता है, तो उसका फाइंड करेंगे, फार्मूला लिख देना डेंसिटी। तो रो वन वी वन, मान लो कोई फर्स्ट वाले सब्सटेंस का मास है प्लस रो टू वी टू, दूसरे वाले का मास है प्लस तीसरे वाले का रो थ्री वी थ्री, इसी तरह से वैल्यूम कर देंगे वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, इस तरह से इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर दो के लिए दिया रहेगा तो सिर्फ दो यूज करेंगे, तीन के लिए दिया रहेगा तो तीन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आए, क्योंकि रो इक्वल टू क्या होता है एम बाई वी होता है, ठीक है। और अगर हमें मास करना है तो रो वी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले वाले के रो वन वी वन रो टू वी टू इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्लियर होगा, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड है, नोट्स पे आप लोग लिख लीजिएगा, पीडीएफ फाइल में उसको दे देंगे, ठीक है। तो नोट्स पढ़ लेना और कुछ क्वेश्चन देंगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रेशर, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेशर। अब यानी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।